हर आदमी की जिंदगी में बीवी जरूरी होती है, बच्चे जरूरी होते हैं, काम जरूरी होता है, बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ही लर्न्स अ लॉट, ही शुड हैव अ पेट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. I think it's really fun to have animals in a movie, but responsibly done. When we made the laws several years ago, the whole film industry was really upset. And I think there must be about a million jokes about how awful I was. I'm glad that this, you know, at some point in this film, there will be a bonding between the hero and the dog. And that's good. या ऑफ कोर्स आई वुड से फन फिल्म है, बहुत मज़ा आया करते हुए, और एक ऐसा जॉनर भी मैंने बहुत कम किया, तो आई थिंक एज एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग था, बट वेन यू हैव प्रोड्यूसर्स लाइक रमेश जी एंड डायरेक्टर लाइक साजिद थोड़ा, तो आई थिंक हर चीज़ बहुत ईजी हो जाती है और काफ़ी मज़ा आया करते हुए. आई थिंक कॉमेडी फिल्म का एक ये USP रहता है कि जब भी आप काम करते हो तो आपको मज़ा आता है. Obviously, my scenes were more with Akshay, so I think I had good chemistry with Akshay, and I enjoyed acting with him. I enjoyed performing with him because he's a brilliant actor. He can take a very simple scene and make it extraordinary. He's an actor who's gifted with that. It was pure fun, and it was the whole pureness of the script which is a joy. So ऐसे जो डायलॉग्स है, it's just a rip tickling funny barking lines. फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि अक्षय एज एन एक्टर हम लोगों ने कई साल से देखा, बट काम करते हुए अक्षय एज एन इंसान पहले का देखा, एंड बिहेवियर की बात नहीं होती, सेपरेट ह्यूमन बीइंग. ऐसा नहीं कि अब हमारी फिल्म की है इसलिए मैं बोल रहा हूँ. डॉग को लेके मैं बात करता हूँ, जब भी डॉग का शॉट होता था तो सबको एक्टर्स लोग, आई एम सेइंग कृष्णा सोनू प्रकाश अक्षय, सब लोग पहले से तमन्ना ये बोल, सब लोग पहले से हम लोग खड़े हो जाते थे, और यू नो एवरी वन यूज टू रियर्स वी रेडी फॉर द डॉग, एंड द डॉग वॉज द लास्ट पर्सन टू बी बॉट. तो वो आता था मैजिस्टिकली, इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस अबाउट द डॉग, पीपल वर हैप्पी, और शॉट माइंड ब्लोइंग होता. इससे बड़ा बिहेवियर क्या हो सकता है.